अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज हम अरबी की बहुत ही मशहूर किताब जो अक्सर मदारिस में इब्तदाई तालिब इल्म को पढ़ाया जाता है, उस किताब का दर्स नंबर एक, सबक नंबर एक, मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल, यह आज हम सबक नंबर एक पढ़ने वाले हैं। इसका जो पहला जुमला है वो यह है कि हैद जमलुन। सबसे पहले हम हादा को समझ लेते हैं। हादा ये इसमें इशारा है, इसके ज़रिए से हम करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं। और जमलुन का माना है ऊँट। हैद जमलुन, इसका माना है यह ऊँट है। हैद जमलुन, यह ऊँट है। दालिका, इसका माना है वह, और इसके ज़रिए से दूर की चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे जालिका कल्बुन, कल्बुन का माना है कुत्ता। ज़ालिका कल्बुन, तो इसका माना है वह कुत्ता है। ज़ालिका फरसुन, फरसुन का माना है घोड़ा। ज़ालिका फरसुन, तो वह घोड़ा है। ज़ालिका फरसुन, वह घोड़ा है। हैद, इसका माना है यह, और किताबुन, इसका माना है किताब। हैद किताबुन, तो इसका माना हो जाएगा यह किताब है। हैद जमलुन, यह ऊँट है। ज़ालिका फरसुन, वह घोड़ा है। हैद कल्बुन, यह कुत्ता है। ज़ालिका जमलुन, वह ऊँट है। ज़ालिका फरसुन, वह घोड़ा है। हैद कल्बुन, यह कुत्ता है। हैद किताबुन, यह किताब है। ज़ालिका अरबियुन, वह अरबी है। तर्जुमा करो। ऊपर में आपने अरबी जो जुमला है उसका उर्दू में आपने तर्जुमा किया, अब नीचे जो उर्दू में लिखा हुआ जुमले हैं इनका आपको अरबी में तर्जुमा करना है। यानी नीचे जो जुमले लिखे हुए हैं इन सब का आपको अरबी में तर्जुमा करना है। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसका तर्जुमा करना है। इसे यह है तो इसका अरबी में आता है हैदा, और कुत्ता का जो अरबी है वो है कल्बुन। तो हैद कल्बुन, यह कुत्ता ही। वह का अरबी है दालिका, और घोड़ा का अरबी है फरसुन। तो हो जाएगा इसका तर्जुमा इस तरह से अरबी में, दालिका फरसुन, दालिका फरसुन, यह ऊँट ही। हैद जमलुन, वह कुत्ता है। दालिका कल्बुन, यह घोड़ा है। हैद फरसुन, वह ऊँट है। दालिका जमलुन, यह कलम है। हैद कलमुन, वह किताब है। ज़ालिका किताबुन, यह इंसान है। हैद इंसानुन, वह हैवान है। ज़ालिका हैवानुन, यह सवाल है। हैद सवालुन, वह जवाब है। ज़ालिका जवाबुन, वह किताब है। ज़ालिका किताबुन, वह कुरान है। ज़ालिका कुरानुन, यह अरबी है। हैद अरबियुन, वह सहल है। ज़ालिका सहलुन।